नहीं तो ये एक कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो ये मेरा दूसरा है सजेशन है। और तीसरा सजेशन ये है कि शिक्षा मंत्री भी इसका आग्रह करेंगे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि वो मानसिक रूप से तैयार होकर बच्चों को विद्यालयों में भेजें, जिससे कि बच्चे और टीचर जिस दिन से मिलना शुरू कर देंगे, उनकी समस्याओं का, उनकी दुविधाओं का धीरे धीरे अलग होना निश्चित हो सकेगा। मैं आपको भी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी ज्योति गुप्ता जी, आप भी अगर कुछ सुझाव देना चाहें शिक्षा मंत्री को, कोई 3 सुझाव आपकी तरफ से। इसमें जो सर ने अभी बोला है उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि जो एक लर्निंग लॉस बच्चों का हुआ है पूरे साल में स्कूल में ना आकर, तो उसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए कि हम जिस भी तरह के बच्चों से आगे सवाल पूछेंगे या जो भी तरह के पेपर्स आएंगे उसकी एक पूर्ण तैयारी के साथ बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन दे। तो जो सैम्पल पेपर्स वगैरह आए हैं अभी तक और जो आगे भी वो लोग देंगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसी पे बेस्ड होना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ी सी मदद मिल सके और वो उसकी थोड़ी ज्यादा तैयारी कर जी सके। दूसरा, एक संवाद जो है वो पेरेंट्स के साथ बनाना बहुत जरूरी है। स्कूल्स को जहाँ अपनी कोविड गाइडलाइंस के बारे में पता रहना चाहिए, थोड़ा सा स्कूल्स के साथ भी स्ट्रिक्ट रहना होगा कि वो जितनी भी कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सारा स्कूल एक साथ ना खोल के सिर्फ बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं 10वीं और 12वीं जिनके की स्टेक्स बहुत ज्यादा आए हैं, सिर्फ वही क्लासेस को खोल के पूरे स्कूल में मतलब जो है उनको फेस टू फेस टीचिंग कराई जाए। तो एक संवाद जो है वो पेरेंट्स के साथ और स्कूल के साथ दोनों के साथ खोल के तभी ठीक है। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, जो एग्जाम्स हो तो उसमें बच्चों को इनफ टाइम मिले, मतलब जो भी हमारी डेटशीट बने वो इस तरह से बननी चाहिए कि ऐसे नहीं कि चलिए, बहुत ही लगातार एक अच्छे सुझाव मैम के आपने यहाँ पर दिए बाद। हैं और हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आगे जिन्हें फैसले लेने हैं उनके पास जरूर पहुंचे। कुछ और स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर फीडबैक हमें देना चाहते हैं। अंशिका जैन हमारे साथ हैं। हेलो अंशिका, कैसे हो हेलो आप? किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई हो रही है अभी? मैम, अभी तो अच्छी चल रही है बट मैम अभी 8-10 हफ्ते पहले मैम स्कूल खोलने का बोल रहे हैं तो हमारे स्कूल काफी दूर है तो मैम हम लोग को पब्लिक व्हीकल लगेगा बार बार जाने में। सो मैम कोरोना का बहुत डर लगता है उस टाइम पे। ठीक है। तो अभी और कोई सवाल आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं या सरकार आपकी बात सुने, कोई आप अपना सजेशन देना चाहते हैं अंशिका? मैम यही, मैम अभी तो सब ठीक चल रहा है बस। अब एग्जाम्स को लेकर आप क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर? किस समय तक होने चाहिए एग्जाम्स? महक के पास चलते हैं। महक हमारे साथ आ गई है, पूछिए महक अपना सवाल। हेलो मैम, हेलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा इंग्लिश हिंदी में पैटर्न एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि पेपर थोड़े लेट हो जिससे हम लोग को भी तैयारी करने में टाइम मिल जाए। ठीक है। अनुभव जैन हमारे साथ हैं। अनुभव पूछिए सवाल अपना। एक मिनट, जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट है पीसीएम तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में 30% कम हुआ है बट जो फिजिक्स में जो कोर्स कम हुआ है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, मीन्स 10%। ठीक है। अनुभव अनुभव जैन आप पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो अभी लग रही हैं इनका एक स्लेप शेड्यूल नहीं लग रही, जैसे किसी क्लास 9 बजे लगा रहा है, कोई कोई 12 बजे लगा रहा है। तो जैसे स्कूल जाते थे तो एक सिस्टमेटिकली हमारे पास टाइम पीरियड रहता था कि 3 बजे घर पर आएंगे और फिर अपना बैलेंस टाइम टेबल से एक स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमें एक ये डिफॉल्ट भी आ रहा है कि बार बार कुछ अनवांटेड सिक्योरिटी हैक्स हो जाते हैं जिनसे अनवांटेड स्टूडेंट्स एंटर होते हैं क्लासेस में, और हमें एक शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स को। जैसे कोई टीचर 9 बजे लगा रहा है, कोई 5 बजे, कोई 3 बजे, तो पूरा दिन जो बीच का उसका समय होता है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है। तो ठीक है। हर्षित जोशी है हमारे साथ। हर्षित पूछिए सवाल। टाइम टेबल, जी हर्षित आपको सुन पा रहे हैं हम, बोलिए।
हर्षित अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। हेलो जी, पूछे कौन सी क्लास में आप? सर जी बड़ी दिक्कत हो रही है हमको अभी ऑनलाइन क्लास में, नेट